हेलो गाइज, वेलकम बैक टू क्रिकेट विद सचिन बोरा। गाइज, आज सीरीज़ का अगला वीडियो है जो कि फ्लिक शॉट के ऊपर है। फ्लिक शॉट से आगे आप बहुत कुछ सीखेंगे, फ्लिक शॉट में छक्का मारना भी सीखेंगे, बट सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि ग्राउंडेड शॉट फ्लिक शॉट कैसे किया जाए और कैसे खेला जाए, कैसे उसकी प्रैक्टिस किया जाए, क्या क्या ड्रिल्स उसमें होती है, सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊँगा। उससे पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस जो सीरीज़ बनी हुई है इस बेसिक की, ये सबसे इम्पोर्टेंट है बिगिनर्स के लिए। अगर आप एडवांस में भी खेल रहे हैं तो ये जो सीरीज़ है ना, ये आपको एक कंप्लीट बैट्समैन बनाएगी। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसको सीरीज़ को रेगुलरली देखो और उस हिसाब से प्रैक्टिस करो। तो आज बताऊंगा फ्लिक शॉट, फ्लिक शॉट में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है, क्या क्या ध्यान देना है, क्या क्या मिस्टेक्स होती है और उस मिस्टेक्स को कैसे सुधारना है, वो सारी चीज़ें बताऊँगा। सबसे पहले फ्लिक शॉट कौन सी बॉल में मारा जाता है। देखो, फ्लिक शॉट दो तीन बॉलें होती है जिसमें आप फ्लिक शॉट मार सकते हैं। ये मैंने बॉल रखी है, देखिए। स्टार्टिंग में अगर आप यहाँ पे खड़े, अगर आप ट्रिगर मूवमेंट ले रहे तो हल्का सा राइट फुट बैक एंड अक्रॉस जाता है, उसके बाद ये पैर थोड़ा सा सीधा हो जाता है। आप जो स्ट्रेट की बॉल होती है, स्ट्रेट की बॉल में भी आप फ्लिक मार सकते हैं, इवन ऑफ की बॉल को भी आप फ्लिक मार सकते हैं। विराट कोहली को कई बार देखा होगा। लेकिन स्टार्टिंग में जब आप विगिनर्स हैं तो कभी भी स्ट्रेट की बॉल को, मिडिल की बॉल को कभी भी फ्लिक शॉट नहीं मारना, क्योंकि जब बॉल नई होती है, एकदम न्यू बॉल होती है, बॉल स्विंग करती है, अगर आपने स्ट्रेट की बॉल या ऑफ साइड की बॉल को फ्लिक मार दिया तो बॉल हल्का सा भी स्विंग हो गया तो आपका सीधे LBW आउट हो जाओगे। इसीलिए बॉल जो ये पैर का पिछला हिस्सा है ना, ये इस हिस्से की एरिया में जो बॉल जा रही है उसी को फ्लिक मारना। और ये जज कैसे होगा, आपको स्टार्टिंग में आपको पता ही नहीं लगेगा कि बॉल मेरे स्ट्रेट में आ रही या पैर में, क्योंकि थोड़ा सा मार्जिन है, ज़्यादा इतना सा गैप है, देखिए उतना डिस्टेंस का जज होता नहीं है। बट जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, बार बार खेलते हैं तो आपको जज होने लग जाता है कि ये बॉल मेरा हल्का सा बाहर जा रहा है, ये स्ट्रेट में आ रहा है। इसीलिए प्रैक्टिस किस हिसाब से करनी है, ऑन ड्राइव की बॉल और फ्लिक शॉट दोनों में रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। आपने दोनों इस स्टेट में, यहाँ पे इस स्पॉट पे बॉल डालना है, इस स्पॉट में बॉल डाल के रेगुलरली प्रैक्टिस करना है, तब आपके समझ में आएगा। एक बॉल आपने ऑन ड्राइव के लिए देनी है और उसको ऑन ड्राइव मारना या स्ट्रेट ड्राइव मारना सीधा, और एक बॉल हल्की सी बाहर देनी, उसको आपने फ्लिक मारना, दोनों चीज़ करना। फ्लिक मारते समय क्या मिस्टेक करते हैं आप लोग, वो बताऊँगा। देखिए, सबसे पहले राइट हैंड को बहुत ही ज़्यादा टाइट कर देते हैं, दाहिने वाले हाथ को, नीचे बॉटम वाले हैंड को, इसको टाइट नहीं करना है। और दूसरा सबसे बड़ा जो गलती करते हैं फ्लिक शॉट में, मेरा लड़का खुद सचिन ये बहुत ज़्यादा मिस्टेक करता है, मैं कई बार इसको डांट मारता हूँ, फ्लिक शॉट में भी बैक लिफ्ट इतना ऊँचा डालता है। अगर फ्लिक शॉट में आपने इतना ऊँचा बैक लिफ्ट डाल दिया तो आपका बॉल मिस हो जाएगा। और फ्लिक शॉट में कभी भी ताकत नहीं लगाना, ऐसे वाला ताकत नहीं लगाना, कभी नहीं लगाना। फ्लिक शॉट में हल्का सा, देखो जैसे ये बॉल आ रहा है, बॉल आते हल्का सा इतना ही बैकलिप उठेगा, यहाँ से इतना ही बस हो गया, ये उठा और यहीं से फ्लिक मार दिया। अगर आपने इसमें इतना बैकलिप उठा दिया, आपका बॉल इतनी तेज आएगा कि बैट यहाँ से यहाँ पहुँचने तक मिस हो जाएगा। बहुत ना के बराबर लोग सक्सेस होते हैं, इसीलिए बहुत छोटा सा हल्का सा यहीं पर उठाया और फ्लिक कर दिया। आप कलाई का इस्तेमाल कैसे करोगे, मोस्टली लोग क्या करते हैं, बॉल को यहाँ, बैट को यहाँ लाते लाते इतना टेढ़ा कर देते, पहले ही टेढ़ा हो जाता। अगर पहले टेढ़ा हो गया तो यहाँ पे एज लग के इस साइड में कैच जाएगा या आपका बॉल टाइम नहीं होगा। तो इसीलिए बॉल को सीधा लेना है, बॉल आ रही सीधा, ये बैट आपका आ रहा है, बैट यहाँ से ऐसे 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 आ रहा है, बॉल को मारते हुए हल्का सा ये करना। इसके लिए जो हाथ का जो पोजिशन है, देखिए आपका टॉप हैंड टाइट रहेगा, हल्का सा ये आया, यहाँ तक सीधा आया, यहाँ तक सीधा आया, आने के बाद ऐसे मोड़ना है। और इसकी प्रैक्टिस स्टार्टिंग में सिर्फ फुल टॉस बॉल से बैट को यहाँ पे रख के प्रैक्टिस करना है, यहाँ पे रखे रहना, सीधा बैट रखे रहना है, यहाँ से यहाँ पर लगातार बॉल देनी है, फुल टॉस बॉल यहाँ पे देनी है और ऐसे करते जाना है। इस हाथ से धक्का नहीं मारना, दहने हाथ से, इससे खाली कलाई को ऐसे करके मोड़ना है, देखिए ये ऐसे करके मोड़ना है। ये भी बहुत ज़्यादा ऐसे टूटेगा नहीं, ये मिस्टेक बहुत ज़्यादा बच्चे करते हैं, इसको ऐसे तोड़ना नहीं है, इसको टाइट ही रखना, ये सीधे पैरेलल रहेगा, सीधा रहेगा, यहाँ से बॉल आया, ये करना है बस, हो गया, इतना ही करना है, ये इतना सा करना है। और स्टार्टिंग में यहाँ पे जैसे बताया, ये फ्लिक करना, फिर उसके बाद थोड़ा ना नज़दीक में हैंगिंग बॉल से पक्का प्रैक्टिस करना, हैंगिंग बॉल पैरों की लाइन में लानी है और उसको मारते जाना है, और मार के बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं करना, कई बच्चे ऐसा कर देते हैं, ये वाला, ये
ऐसा वाला, ऐसा नहीं करना अभी, वो बहुत आगे एडवांस की बात है। अभी आपने सिर्फ ये करके सीधा लाना है, ये मारना है, सीधा लाना है। यहाँ पे मेरी बॉल है, देखिए ये मैंने ट्रिगर मूवमेंट बनाया, ये ऐसा किया, ट्रिगर मूवमेंट बनाया, बॉल सीधे आई यहाँ से, ऐसे करके करना बस हो गया, सिर्फ यहाँ पे। और हेड पोजीशन का विशेष ध्यान देना, हेड पोजीशन क्या होता है, बच्चे ऐसा कर देते हैं फ्लिक शॉट में, ऐसा ऐसा नहीं करना, बॉल के ऊपर चढ़ना है। ये देखिए बॉल आपकी सीधी आ रही है, आपने हेड ऐसे ले जाना है, हेड ऐसे ले जाके सीधा हो के ये बिल्कुल ऐसे जाएगा, जाने के बाद आपका बैट सीधा ऐसे तलवार की तरह ये गया, ये तलवार की तरह ऊपर आया, ये गया ऐसे ऊपर आया। इस तरह से आपने रेगुलर ड्रिल करनी है। उसके बाद जो हमेशा ही बताता हूँ, दो बॉल जैसे बता रहा हूँ ना, एक बार ऑन ड्राइव की और स्ट्रेट ड्राइव की बॉल डालना, एक बार सीधे पैरों के इस लेवल में डालना। ये जैसे पैर है, पैरों की लगभग इस एरिया में से जो बाहर की तरफ बॉल जा रही उसमें ही फ्लिक मारो स्टार्टिंग में। जब आप सीख जाओगे, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा खेलते खेलते, उसके बाद धीरे धीरे आप स्ट्रेट की बॉल को भी मार सकते हैं, खासतौर से जब 6-7 ओवर 10 ओवर बॉल पुरानी हो जाती उसके बाद मार सकते हैं। अगर नई बॉल है तो नई बॉल में, स्ट्रेट बॉल में फ्लिक का ट्राई मत करना। बाकी इसकी ड्रिल्स जो है रेगुलरली अंडर आर्म स्टार्टिंग में दीजिए, अंडर आर्म हल्का सा प्रैक्टिस करते जाइए, रेगुलर प्रैक्टिस करते जाइए, हेड पोजिशन का ध्यान दीजिए, पैर बढ़ाइए, सीधा पैर होगा, ज़्यादा इधर भी नहीं होगा पैर आपका, और ज़्यादा ऐसा भी नहीं होगा, पैर का ध्यान देना। बाकी पोजीशन वो सारी चीज़ें पहले से बताई हुई है, उस सीरीज़ को फॉलो करते रहिए, ये देखते रहिए। और फ्लिक शॉट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अभी मैंने जो अंडर 14 का कैम्प लगा था उसमें मोस्टली बच्चों को देखा, फ्लिक शॉट कोई नहीं मार पा रहा था, ऐसे कर रहे थे, कोई ऐसे भाग रहा है, कोई कुछ कर रहा है, प्रॉपर फ्लिक शॉट कोई नहीं मार रहा, इस तरह से कोई भी फ्लिक शॉट प्रॉपर नहीं मार पा रहा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल टॉस बॉल, अंडर आर्म बॉल, फिर दूर से मार के बॉल, इस तरह से रेगुलर प्रैक्टिस करते जाना, तब जाके ये आपका फ्लिक शॉट एकदम परफेक्ट होगा। गाइज ऐसे ही सीरीज़ में बने रहिए, ऐसे ही नए नए वीडियो आपके लिए आते रहेंगे। इस सीरीज़ में, ये सीरीज़ अगर आपने पूरी देख ली, एक कंप्लीट परफेक्ट बैट्समैन आप बन जाएंगे। गाइज आज के इतना ही, अगले वीडियो में कुछ और लेके आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।